कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर उन्हें याद किया। सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। सोनिया गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा किसानों को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। सोनिया गांधी ने कहा इन काले कानूनों के खिलाफ उनकी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस की घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किए जाने को लेकर कहा इस मामले में यह एक आशा की किरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी पत्नी भी संक्रमण की शिकार हो गई है। ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए खास तौर से बनाया गया 2777 विमान गुरुवार को अमेरिका से भारत पहुंच गया है। 2777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रोधी प्रणाली है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 63,91,970 तक पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,00,000 के करीब पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी पुलिस की हिरासत से छूटने के 12 घंटे बाद गांधी जयंती की शुभकामनाएं देने के बहाने कहा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष नहीं झुकूंगा, मैं असत्य को सत्य से जीतूंगा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिवॉल्यूशन फॉर SSR अभियान चलाते हुए फैन से इसका समर्थन करने के लिए कहा था, जिसके बाद इस हैशटैग के साथ अब तक 15,00,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। इतने ज्यादा ट्वीट्स से थोड़ी देर के लिए ट्विटर क्रैश हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को 9:10 पर मनाली पहुंचेंगे। वे 3 अक्टूबर को दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे।